होली का त्योहार अब आने ही वाला है और मुझे पता है कि आप लोग भी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन रंगों का यह त्योहार बिना गुजिया की मिठास के अधूरा है। तो मैं इस वक्त दिल्ली के एक परिवार के साथ हूँ जो मूल रूप से बिहार से है। तो आज मैं उनसे जानूंगी कि किस तरह से वो गुजिया बनाते हैं और क्या उनकी स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए मेरे साथ उनके किचन में। तो मैं आ चुकी हूँ आशा जी के किचन में। आशा जी, आपका बहुत स्वागत है लोकमत न्यूज में। तो आज हमसे आप शेयर करिए अपने गुजिया बनाने की रेसिपी। गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, ड्राई फ्रूट्स, नारियल और सूजी, इलायची, मावा एंड मैदा। मैंने मैदे को गूंध लिया है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। फिर इसको पतली बेल लेना है। इसको गूंधते वक्त अगर आप थोड़ी सी इसमें घी डाल दो तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। सूजी को हमने हल्का भून लिया है और उसके बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स कर लिया है और इसको फिर स्पून से इस तरह से भरना है। एक तरह की डिज़ाइनिंग भी है और एक तरह का प्रोसेस भी है जिससे ये फीलिंग जो है इसकी बाहर नहीं आएगी, अदरवाइज ये तेल में डालते ही बाहर आ जाएगी और फैल जाएगी। तो इसलिए हम इसको इस तरह से करते हैं कि ये बाहर ना आए फीलिंग। हम इसे घर में बनाते हैं। मावा हमारा घर का होता है। ऐसे तो बाजारों में चीज़ें मिलती हैं बट एक घर की बनाई हुई हाथों की बात अलग होती है। आशा जी, मुझे बताइए कि होली की तैयारियाँ कब से शुरू हो जाती है आपके यहाँ? होली की तैयारी हमारे यहाँ काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है क्योंकि सारे रिलेटिव्स के लिए कपड़े लेने और ये सब चीज़ें। एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल होली ही है। तो गुजिया के अलावा क्या क्या खाने को मिलेगा उस दिन होली के दिन आपके यहाँ? बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मालपुए, पकौड़े, हर तरह के पकौड़े होते हैं। ये लीजिए हमारी ताजी ताजी गरम गरम गुजिया तैयार। तो मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, मुझे ये गुजिया टेस्ट करनी है। बहुत क्रिस्प, बहुत नरम, मुंह में एकदम जाके घुल गई। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे ये रेसिपी शेयर करने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस तरह से आप लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं होली का त्यौहार आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मेरे सहयोगी वकार अहमद के साथ प्रतीक्षा कुकरेती।